नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं अहम खबरों की ओर। माधोगढ़ जालौन बदमाशों ने बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप से लूटे 19 लाख रुपए। जी हां, उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के पेट्रोल पंप से 19 लाख लूट करके भागे तीन हथियारबंद बदमाश। बदमाशों की तलाश में भिंड और जालौन एसपी दलबल के साथ बिहाड़ों में उनकी तलाश के लिए उतरे। अंतियम के पूरा के पेट्रोल पंप लूट कर भागे भिंड जिले की सीमा अंतियन पूरा लगता है। बता दें, पेट्रोल पंप कर्मी कैश जमा करने के लिए जा रहे थे। पेट्रोल पंप से 1 किलोमीटर की दूरी पर कार सवार तीन बदमाशों ने बाइक सवार कर्मचारियों पर टक्कर मारी। बाइक नीचे गिर गई। कार सवार तीन बदमाशों ने पिस्टल कट्टे अड़ाकर उनसे कैश से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। जब इसकी सूचना जालौन पुलिस को दी गई तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनकी तलाश की। बाद में उन्होंने भिंड पुलिस को सूचना दी, तब भिंड एसपी मनोज कुमार, जालौन एसपी रवि कुमार ने साथ मिलकर दलबल के साथ जगह को चारों तरफ से घेर लिया है। बदमाश आरोपी कार को छोड़कर बैग के कैश साथ में ले गए। पुलिस का कहना है, जल्दी ही आरोपियों को पुलिस पकड़ लेगी। बता, पेट्रोल पंप से कैश जमा करने के लिए जा रहे थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? वही पेट्रोल पंप, अंकुर फिलिंग स्टेशन। कितना कैश था? 19 लाख। किस जगह जा रहे थे जमा करने? माधोगढ़ एसबीआई बैंक। अच्छा, तो किस जगह घटना हुई? से 1 किलोमीटर निकले, जैसे ही पुल से गोपालपुरा पुल के पहले पीछे से 4 पहिया गाड़ी पीछे से टक्कर मारी। हम लोग आगे उछल के नीचे रोड पे गिरे और गाड़ी तुरंत बैक हुई। तब तक हम उठ पाए और उन्होंने पिस्टल कट्टा लगा के बैग छील कर भाग गए। बाद में एमपी की तरफ लौट आए। तो किसी को आप जानते हैं, पहचानते हैं क्या? पहचानते हैं, कैसे पहचानते? कितने लोग थे? 3 लोग थे, एक चला रहा था, 2 उतरे नीचे। अच्छा, क्या हथियार भी लिए हुए थे? पिस्टल थी, एक कट्टा था। अच्छा अच्छा, आपके हाथ से छुड़ा के भागे? क्या शुभ नाम? 2 लोग थे लड़के, एक सेल्समैन था। शुभ नाम क्या? दीपक। पूरा क्या लगते हैं? दीपक कुमार गौर। गाड़ी बरामद हुई, क्या है पूरा मामला? देखिए, एसपी जालौन साहब ने मुझे सूचना दिया था कि उनके यहाँ एक पेट्रोल पंप पर लूट हो गई करने के लिए। तो एसपी साहब की जैसे ही सूचना मिली तो हमारे थाने द्वारा नाकेबंदी की गई और उस नाकेबंदी संभवतः इसी गाड़ी से लूट की गई है। तो सर, कुछ गिरफ्तारी हुई है आपके यहाँ? नहीं, अभी सर्चिंग चल रही है। डॉग स्क्वाड बुलाया गया है, एसपी जालौन साहब भी आए हैं। यूपी और एमपी की पुलिस मिल के सर्चिंग कर रही है। थैंक यू सर। की घटना हुई? देखिए, ये थाना माधोगढ़ में जनपद मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास में ही एक पेट्रोल पंप है। उसमें 2 व्यक्ति बाइक से कैश लेके बैंक में जमा कराने जा रहे थे, जो कि वहाँ पेट्रोल पंप का मुंशी हैं। और उसी समय एक कार पीछे से आई, उसको टक्कर मारी और वो दोनों लोग गिर गए। उसके बाद उन लोगों ने उनसे बैग छीन के वो भागे। इस सूचना पर तत्काल जनपद भिंड की पुलिस को सूचित किया गया। उनके पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध करके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से उस गाड़ी को चेज किया गया। उसी समय ये इस आज जैसा कि आप देख सकते हैं, जगह पे वो लोग गाड़ी छोड़ के फिर खेतों के माध्यम से भागे हैं। गाड़ी अभी बरामद कर ली गई है और बदमाशों को भी ट्रेस किया जा रहा है और कुछ अन्य लीड भी मिले हैं। साथ ही साथ इनके भागे हुए डायरेक्शंस में पूरी कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन जारी है, जल्द ही इनको पकड़ा जाएगा। सर, कितने की लूट रही है, कितनी बताई जा रही है? अभी जो है वहाँ पे मुंशियों ने पूरी कैश की डिटेल नहीं दी है। जैसे कैश की डिटेल हमें मिलती है आप लोगों से। गाड़ी से सर कुछ बरामद हुआ है? जो टोल अभी जो ये फोर्ड की गाड़ी है, जो जिसे अपराधी थे, उस गाड़ी को बरामद कर लिया गया और आगे अब बदमाशों की तलाश की जा रही है। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए यूपी 24 न्यूज। नमस्कार।